हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव एजू टेक। अब हमने कल क्या किया, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई, और उसमें क्या था कि प्राइस अफेक्ट नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा था। सारे जितने भी अदर फैक्टर थे सारे वो अफेक्ट हो रहे थे। हमने कल ये बात की, वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई था। अब यहाँ एक्सपेंशन या एक्सटेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे जो अदर फैक्टर हैं वो कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। अदर फैक्टर वही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, फैक्टर प्राइस, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। ये कॉन्स्टेंट, मतलब कि अगर कॉफ़ी का प्राइस, मतलब अगर डिक्रीज़ है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तो वो डिक्रीज़ ही रहेगा, ना वो इंक्रीज़ होगा ना कुछ। बस ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कोई भी असर नहीं डाल रहे अदर फैक्टर। तो अब देखो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या एक्सपेंशन कुछ भी कह सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है। एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन का क्या मतलब है, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। मतलब कि कुछ भी चीज़ का बढ़ना, मतलब सप्लाई का बढ़ना एक्सपेंशन होता है। अब देखो ये तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि अगर प्राइस इफ़ेक्ट करेगा तो यानी कि प्राइस ही बढ़ेगा, और तो कुछ अफेक्ट कर ही नहीं रहा, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे और कुछ भी इंक्रीज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। हमें बहुत अच्छे से पता है ये चीज़, ठीक है। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पे देखो हमने एक क्या बनाया, डायग्राम भी बनाया, यहाँ पे एक टेबल भी बनाया। अब देखते हैं यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो सप्लाई भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़। पहले प्राइस 10 था तो सप्लाई 50 थी, अब प्राइस हमारा जो है वो कम हो गया, प्राइस हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगी, सप्लाई भी हमारी बढ़ गई, यानी कि 100 हो गई। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो कि प्राइस हमारा कितना था, पहले 10 था, ये प्राइस है, यहाँ पे 10 था हमारा प्राइस, तो हमारी जो सप्लाई थी वो भी कितनी थी, 50 थी। अब हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 20 हो गया, तो हमारी जो सप्लाई है वो भी बढ़ गई, यानी कि 100 हो गई। तो यानी कि ये जो होती है ना, ये वाली, इस ये होती है क्वांटिटी, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से एक और चीज़ समझ आती है कि जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसका अनदर नेम क्या होता है, क्वांटिटी एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसका अनदर नेम क्या होता है, क्वांटिटी एक्सिस। ये हमेशा याद रखना कि जो भी कोई भी चैप्टर हो उसमें एक्स एक्सिस पे हमेशा ही क्वांटिटी आएगी, और वाई एक्सिस पे कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर हम प्रोडक्शन का चैप्टर कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगी, तो वाई एक्सिस पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमेशा ही क्वांटिटी आएगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या आता है, क्वांटिटी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई प्राइस की इंक्रीज़ होने से, तो ये हमारी क्या हो गई, ये जो है, ये देखो, ये हम यहाँ पे एरो लगा देंगे क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है। तो ये देखो ये क्या हो रही है, ये मूवमेंट हो रही है। और बट हमने कल किया था इंक्रीज़ एंड डिक्रीज इन सप्लाई, वहाँ क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रही थी। तो ये याद रखना है कि इन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, हमेशा मूवमेंट होगी। तो सप्लाई बढ़ रही है हमारी, तो हम एरो लगा देंगे कि हमारी सप्लाई बढ़ रही है। अब देखते हैं, ये सारा हो गया कंसेप्ट किसका, एक्सपेंशन का। अब नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, वही चीज़, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटना, कोई भी चीज़ का घटना। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्शन, अब पता है हमारे को कि प्राइस ही इफेक्ट कर रहा है, यानी कि प्राइस ही कम हुआ होगा, क्योंकि और तो कुछ भी फैक्टर अफेक्ट कर ही नहीं रहे इसको, तो यानी कि प्राइस कम हुआ होगा, जिससे हमारी जो सप्लाई है वो भी कम हो गई, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डायग्राम, और ये क्या, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले हम इसकी, इसका हम पहले चार्ट बनाते हैं। प्राइस मान लो हमारा जो था, पहले हमारा प्राइस 20 था, ओके, तो हमारी सप्लाई 100 थी। अब हमारा प्राइस कम हो गया तो हमारी सप्लाई भी कम हो गई। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या कर लिया, एक स्केड्यूल बना लिया किसका, सप्लाई का। अब देखते हैं इसकी कर्व कैसे बनेगी। ये देखो हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया। अब यहाँ देखो कर्व, पहले जो हमारा 20 था, प्राइस हमारा क्या था,
20 था, ठीक है। तो हमारी सप्लाई भी कितनी थी, 100 थी। अब हमारा प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि 10 हो गया। तो अब हमारी सप्लाई कितनी होगी, 50 होगी। तो अब देखो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। और यहाँ क्या हो रही थी, अपवर्ड मूवमेंट हो रही थी। और यहाँ पे क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, क्योंकि प्राइस के कम होने से क्या होगी, हमारी सप्लाई भी कम हो गई, यानी कि हमारी क्वांटिटी भी कम हो गई। तो अब वही एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्वांटिटी एक्सिस, ये हमेशा बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गई, ये मूवमेंट हो गई, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन का, यानी कि एक्सटेंशन में हमारी जो सप्लाई है वो किससे इंक्रीज हुई, ड्यू टू प्राइस। प्राइस बढ़ा तो हमारी सप्लाई भी बढ़ गई। अब कॉन्ट्रैक्शन में हमारा प्राइस कम हुआ तो हमारी सप्लाई भी कम हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ना वही कि ये याद रखना है। अब देखो इंक्रीज एंड एक्सपेंशन कह दो या क्या कह दो, एक्सटेंशन कह दो, ठीक है, ये कह दो। अब इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, बढ़ना। दोनों का मतलब ही बढ़ना होता है, लेकिन ये क्यों बढ़ता है, ये क्यों बढ़ता है, ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू अदर फैक्टर। जो सप्लाई इंक्रीज होती है ये क्या होता है, ड्यू टू, ये क्या होती है, ड्यू टू प्राइस। इससे हमारी सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इसमें जो प्राइस है ना वो क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता। और इसमें जो हमारे जो अदर फैक्टर हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। और एक बात और देखो, इंक्रीज में क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है। हमने कल बात की थी क्या होती है शिफ्टिंग में, राइटवर्ड होता हो जाती है, या हम कह सकते हैं आउटवर्ड हो जाती है, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, राइटवर्ड हमने बात की थी, आउटवर्ड हमने बात की थी, और क्या कहा था हमने, फॉरवर्ड कहा था ये। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एक्सटेंशन में क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है। और ये कौन सी मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। यहाँ पे शिफ्टिंग होती है और वहाँ पे मूवमेंट होती है, इनका ये डिफरेंस। उसमें अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसमें कोई भी अदर फैक्टर इफेक्ट नहीं करते। वैसे ही डिक्रीज में कर लो या कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों का डिफरेंस वही, इसमें वही अदर फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। प्राइस क्या होता है, कॉन्स्टेंट, मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, अदर फैक्ट्रीज में बढ़ते हैं, इसमें प्राइस बढ़ता है और अदर फैक्टर कोई भी इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो वही, अब इसमें वही शिफ्टिंग होती है। अब इसमें जो शिफ्टिंग होती है वो क्या होती है, मतलब कि लेफ्ट वर्ड होती है, ठीक है, इनवर्ड होती है, ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें मूवमेंट होती है, इसमें मूवमेंट होती है कौन सी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब हमारे को क्या पता चल गया, बेसिक इनका डिफरेंस भी पता चल गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या, इंक्रीज और एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है, डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये है आज का टॉपिक था हमारा, और ये कंप्लीट हो चुका है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और डिफरेंस भी इसका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।